सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे टिकी एप्लीकेशन के बारे में। टिकी इंडिया की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है, क्या नोटिफिकेशन है जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो को अभी तक अपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर टिकी एप से रिलेटेड काफी सारी नॉलेज और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में टिकी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो टिकी वीडियो का वॉइस रकम कर देता हूँ, जिससे हमारे यूट्यूब लोगों को क्लियर और साफ सुनाई देगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नीचे साइड में देख सकते हो आप लोग सामने नोटिफिकेशन मार्क आइकन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको नोटिफिकेशन वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप लोग नोटिफिकेशन वाले आइकन पे क्लिक करोगे आप लोग सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि टिकी इंडिया की तरफ से आप लोगों को एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपको इसी वाले सेक्शन पे चले जाना होगा। आप लोग इस पे क्लिक करोगे आप लोग सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग रीड कर सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया टिकी फैमिली, यहाँ पर टिकी फैमिली गिल्ड पर आपके विचार, यानी कि पूछा जा रहा है कि आपका जो है टिकी फैमिली गिल्ड जो है उसके बारे में आपका क्या राय है, उसके बारे में आपका क्या विचार है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे साइड में देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा सर्वे कीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, सर्वे कीजिए वाले ऑप्शन पे क्लिक, इस पर क्लिक करोगे ये थोड़ा देर प्रोसेस लेगा और आप लोग सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होकर चलेगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आप लोगों की जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉग इन हो जाना होगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे लॉग इन हो गए तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे जमा न होगा। यहाँ पे आप लोग लॉग इन हो जाएंगे, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों से पूछा जाएगा एक ईमेल आईडी। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अपना एक ईमेल आईडी जो है यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फाइनली आपका जो भी ईमेल आईडी हो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ में आना है और नीचे की तरफ में जैसे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों से पूछा जाएगा आप किस प्रकार के क्रिएटर है, यानी कि आप लोगों के पास जो है किस प्रकार का अकाउंट है, ब्लू भी है, ग्रे भी है, जो भी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो फाइनली आप लोग देख सो व्हाइट टिक है, उसके बाद नॉन वेरीफाइड भी है, ब्लू भी है एंड ग्रे भी है। तो मेरे पास ग्रे भी है तो मैं सिंपली यहाँ पे ग्रे भी को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ में जैसे स्क्रॉल करोगे तो आप लोग यहाँ पर देख सो आप लोगों से पूछा जाएगा टिकी फैमिली गिल्ड इवेंट के बारे में जानकारी है या नहीं, मतलब कि यहाँ पे आपको जानकारी है या नहीं। अगर जानकारी है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप लोगों को सिंपली नो पे क्लिक करना है। तो मेरे को टिकी फैमिली गिल्ड के बारे में पता है कि किस तरीके से वर्क होता है, तो सिंपली हम यस पे क्लिक करेंगे। और इस क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, नीचे साइड में नेक्स्ट का आइकन मिलेगा, सिंपली आपको नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे दूसरे पेज पे। अब देख सकते हो कि यहाँ से आप लोगों से पूछा जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया है फैमिली गिल्ड के बारे में आपको कैसे पता चला, यहाँ पे आपको जो है कैसे पता चला उसके बारे में बताना है। तो फाइनली मेरे को बैनर प्रमोशन के माध्यम से पता चला हुआ था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बैनर प्रमोशन पे क्लिक कर देता हूँ। आप लोगों को जिस तरीके से पता चला उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग नीचे की तरफ में आओगे और जैसे कि नीचे की तरफ में आओगे तो यहाँ पर देखो आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप जो है टिकी फैमिली गिल्ड को ज्वाइन किए हुए हैं या नहीं। अगर आपने किया हुआ है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं किया हुआ है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो सिंपली हम लोग यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो जैसे आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप लोग सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों आपने फैमिली ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, मतलब कि आप किस कारण से जो है यहाँ पे फैमिली ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ कोई भी मैं अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली हम लोग अदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं और लिखने के बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सो जैसे हम लोग नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से देखते हो हमारा फॉर्म जो है जमा हो चुका है। और फ्रेंड्स बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूँ सिंपली हम लोग यहाँ से बैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले तो बैक आ जाता हूँ। अब बैक आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो है यस पे क्लिक करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, जब आप लोग ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप लोग सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स यहां से आप लोगों से पूछा जाए आप फैमिली गिल्ड के लीडर्स हो, यानी कि आप फैमिली गिल्ड के लीडर्स हो या नहीं। तो सिंपली आपको अगर लीडर्स हो तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं हो तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो फाइनली मैं लीडर नहीं हो तो सिंपली जो है यहां पे नो पे क्लिक करता हूं। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप लोग सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यहां पे लिखा गया है आप फैमिली कैसे ज्वाइन किए हुए, मतलब कि आप जो है टिकी का जो गिल्ड फैमिली है आप लोग उसको कैसे ज्वाइन किए हो। तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि आपका जो है फ्रेंड्स इनवाइट किया था। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ भी है तो मेरे को फ्रेंड्स इनवाइट किया, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको जिस तरीके से भी यहाँ पे पता चला उसके बारे में आपको बता देना, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इन्वाइट फैमिली लीडर, यानी कि लीडर जो आपको इन्वाइट किया था तो आप लोग ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको नीचे की तरफ में आना है, नीचे की तरफ में आओगे तो यहाँ से पूछा जाएगा क्यों आपने फैमिली ग्रुप को ज्वाइन किया है, मतलब कि आप किस लिए जो है
फैमिली ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है तो आपको उसके बारे में राय देना है। तो यहाँ पर देखो तो मैं टीक्वाइंस के लिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप लोग जिस तरह जिसके लिए भी ज्वाइन किया हो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको नीचे की तरफ पे आना है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप लोगों से देख तो पूछा जाएगा टिकी पर आपके ऊपर आपका फैमिली क्यों प्रभावित करता है, मतलब क्यों प्रभावित करता है उसके बारे में आपको बताना है। तो फाइल में क्या करता हूँ, यहाँ से जो चीज़ भी आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ यहाँ पे 3 नंबर वाला सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख तो आप लोग सामने एक नेक्स्ट का आइकन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप लोग सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को। फ्रेंड्स यहाँ पर देख कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोग जो है जो गिल्ड में ज्वाइन हुए उस गिल्ड में जो है आखिर कौन चीज रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइव ऑप्शन रहना चाहिए क्योंकि वो सभी जो है एक साथ कनेक्ट होकर बात कर सके, तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग को सिलेक्ट किया हुआ है, आपके हिसाब से जो अच्छा लगे वो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करके कर सकते हो। उसके बाद आप लोग नीचे की तरफ में आओगे, नीचे की तरफ में आने के बाद यहाँ पर देखो आप लोगों से पूछा जाएगा किस तरह के इंप्रूवमेंट टिकी फैमिली में होने चाहिए, मतलब किस तरह का इंप्रूवमेंट जो है उसमें करना चाहिए। तो यहाँ पर देख सो तो द बेनिफिट्स आर यू नॉट क्लियर, बेनिफिट्स क्लियर होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे जो चीज़ भी आपको सिलेक्ट करना है मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ कि जो भी बंदा जुड़ा है उसको पता होना चाहिए कि आखिर ग्रुप में कौन किसको क्या चीज़ मिल रहा है, ये उनको पता होना चाहिए। पर अभी कुछ इस तरह से नहीं है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला को सिलेक्ट किया, आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे की तरफ में आना है, नीचे की तरफ में आओगे तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो कौन सा रिवॉर्ड्स है जो आपको प्रशंसा करता है, मतलब प्रशंसा करता है। तो यहाँ पर देख सो गेट लाइव ऑप्शन, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये जो आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये थोड़ा देर प्रोसेस लेगा और यहाँ पे आप लोग सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर चला जाएगा। अपने आप लोग देख सो कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को गया है अभी अभी आने वाले फैमिली गिल्ड एक्टिविटी में भाग लेना चाहेंगे, मतलब कि आप लोगों से पूछा था कि और भी भाग लेना चाहेंगे। तो फाइनली आपको क्या करना है, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो सिंपली यस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें लेना है, तो सिंपली हम लोग यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं लेना तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, आपको ये नीचे ऊपर करके क्वेश्चन दिया जा सकता है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद ही देना है। अगर आप लोग नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग नो पे भी क्लिक कर सकते हो, मैं करना चाहता हूँ सिंपली यस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा भविष्य में, देख सकते हो भविष्य में फैमिली गिल्ड प्रोग्राम इंप्रूवमेंट करने के लिए आपकी क्या राय है, मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर टिकी फैमिली गिल्ड जो है आगे भविष्य में कोई अगर इसमें कुछ होता है तो आखिर इसमें कौन सा फीचर ऐड करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो आपके बारे में जो भी इसके बारे में आपका राय है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं यहाँ पे क्या करता हूँ लाइव वगैरह कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि आपका जो चीज़ भी इंप्रूवमेंट इसमें करवाना हो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ से आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इस तरीके से आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मेरे बताए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगा, वीडियो का कोई पार्ट क्लिप अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर न तो सब्सक्राइब लेना क्योंकि इस चैनल पर टिकी से रिलेटेड काफी सारी नॉलेज और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलते रहती है। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अगला इंटरेस्टिंग नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक अपने ख्याल रखना, बाय।